अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। SYL के पानी को लेकर इनेलो बसपा का जेल भरो आंदोलन में प्रतिपक्ष नेता अभय चौटाला ने दो टूक कहा कि या तो SYL का पानी हरियाणा को मिले वरना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और पानी को लेकर रहेंगे। मन से चौटाला ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा व विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार रहने की बात भी कही। इस दौरान प्रशासन ने दादरी अनाज मंडी को अस्थायी जेल मानकर कार्यकर्ताओं को पहले तो गिरफ्तार किया और उसके दो मिनट बाद ही उनको सभी को रिहा कर दिया। कार्यक्रम में नगर परिषद के वाइस चेयरमैन बबलू शोरान द्वारा जिले की ओर से अभय चौटाला को हल भी भेंट किया गया। हरियाणा का सबसे छोटा जिला चरखी दादरी की अनाज मंडी में शुक्रवार को इनेलो बसपा गठबंधन के जेल भरो आंदोलन के तहत 16,300 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी देने के पूर्व आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने मंच से भाजपा सरकार को जमकर तीखे बाण भी चलाए। उन्होंने कहा कि SYL का निर्माण सरकार को 100% पूरा करना होगा। अगर जेल भरो आंदोलन के बाद सरकार ने नहर का निर्माण नहीं करवाया तो इससे बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा जिससे सरकार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चौटाला ने कहा कि SYL का पानी आने से सबसे ज्यादा फायदा दक्षिण हरियाणा को होगा। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ने SYL के पानी पर राजनीति को भेंट चढ़ाया, अब भाजपा भी उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए SYL के निर्माण कार्य को रोकने के लिए योजनाएं बना रही है। 17 जुलाई के बाद बैठक बुलाकर हरियाणा के बड़े आंदोलन का ऐलान होगा। इस दौरान अभय चौटाला ने मन से चुनावी वादों की झड़ी लगाई। उन्होंने कहा सरकार आने के बाद किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, गरीब कन्या की शादी के लिए कन्यादान के तौर पर 5,00,000 रुपए देने का काम भी इनेलो सरकार करेगी। अभय चौटाला ने कहा भाजपा सरकार का मकसद है कि बुजुर्ग पेंशन से वंचित हो और बैंकों को कमीशन मिल सके, इसलिए बुढ़ापा पेंशन बैंकों के जरिए देने शुरुआत की है। अभय चौटाला ने सरकार आने पर बुढ़ापा पेंशन 2,500 रुपए करने का वादा भी किया। चौटाला ने मन से इनेलो बसपा के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि प्रदेश में इनेलो बसपा की लहर है, आने वाली सरकार भी उन्हीं की होगी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरेश द्वारका, विधायक राजदीप फोगाट, महिला जिला अध्यक्ष लक्ष्मी बालोंद, नगर परिषद के वाइस चेयरमैन बबलू शोरान, युवा जिला अध्यक्ष जतिन जांगू, रामनिवास मिर्च, महेंद्र शास्त्री, सज्जन बाबली इत्यादि उपस्थित थे। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अरोड़ा ने कहा कि किसानों की फसल पर ओलावृष्टि की मार पड़ी तो कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ नाचने का मन करने लगा। MSP का रेट अंतिम क्षणों में मामूली बढ़ाकर झूठी वाहवाही लूटने का असफल प्रयास किया जा रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों को बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं किया। हमारे 19 जिले हो गए और 19 के 19 जिलों में हजारों की संख्या में लोग आए, कहीं 20,000, कहीं 30,000, कहीं 40,000 तक की संख्या भी हुई। हमने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि इस नहर का निर्माण कराओ। अगर हमारे इस आंदोलन के दौरान हमें कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिला तो अगला आंदोलन जो है वो इससे भी ज़्यादा बड़ा करेंगे और उसके लिए सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार हो जाएगी। भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला ने ये कहा है कि 10 सीटों पर उनका कब्जा है, क्या है? कौन सी 10 सीट है उनके पास? अपनी सीट का ख्याल रखे जाके अपने घर में। सर की दादरी में इनेलो बसपा गठबंधन से जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम स्थल सहित शहर में लगे होल्डिंग बसपा के प्रदेश स्तरीय या जिला स्तरीय नेता के फोटो गायब थे, जबकि जेल भरो आंदोलन को लेकर इनेलो के बड़े नेता इस गठबंधन का कार्यक्रम बताते हुए प्रचार कर रहे थे। हालांकि बसपा के कुछ एक नेता मंच पर जरूर दिखाई दिए, जिन्होंने बसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र प्रजापति, जिला के एक नेता ही मंच पर उपस्थित थे। वहीं अभय चौटाला भाषण देते हुए रहे और लोग सोते हुए दिखाई दिए। चरखी दादरी से अनिल लहरी की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।